أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم dear students how are you all I hope you all are fine with blessing of Allah Almighty at first I would like to say you all welcome in new session 2021 as you all No, now a day we all are facing problems of COVID-19. I must say you should keep distance, take care of yourself, your family and others. Stay at home for your safety. May Allah bless you all. Ameen. Dear students, किसी भी stationery book से आपने ये वाली book buy कर लेनी है ये आपकी क्लास 3 की अमेजिंग साइंस यानी साइंस की बुक है नाउ आई स्टार्ट माय लेक्चर फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन योर बुक पेज नंबर 1 यूनिट 1 लिविंग थिंग्स नीड एयर फूड एंड वाटर टू लिव जानदारों को किस चीज़ की ज़रूरत होती है जानदारों को ज़िंदा रहने के लिए एयर हवा फूड खाना एंड वाटर पानी की ज़रूरत होती है ज़िंदा रहने के लिए पेज नंबर 2 लिविंग थिंग्स देयर आर मैनी काइंड ऑफ लिविंग थिंग्स ऑन अर्थ अर्थ इज़ द ओनली प्लानट विच हैज़ वाटर एंड अ गैस कॉल्ड ऑक्सीजन आर लिविंग थिंग्स नीड वाटर एंड ऑक्सीजन टू लिव दे आल्सो नीड फूड ज़मीन वो वाहिद सियारा है जहाँ पर पानी और गैस दोनों मौजूद हैं जिसको हम सांस लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं ये तमाम चीज़ें जानदारों के रहने के लिए बताई जा रही हैं जानदारों को ज़िंदा रहने के लिए पानी और ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है साथ ही साथ उनको फूड की ज़रूरत भी है लिविंग थिंग्स नीड एयर जानदारों को हवा की ज़रूरत है आल लिविंग थिंग्स नीड एयर व्हेन वी ब्रीथ इन वी टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर ऑक्सीजन हेल्प्स टू बर्न द फूड दैट इज़ इनसाइड आवर बॉडीज दिस मेक्स एनर्जी फॉर आवर बॉडीज एनर्जी हेल्प लिविंग थिंग्स टू मूव एंड वर्क तमाम जानदारों को हवा की ज़रूरत है जब हम सांस अंदर लेते हैं हम ऑक्सीजन ले रहे होते हैं हवा में से हमारे इर्द गिर्द मौजूद हवा हमारे इर्द गिर्द मौजूद होती है उसमें ऑक्सीजन मौजूद है हम जो खाना खाते हैं उसकी ब्रेकडाउन में मदद करता है उसकी ब्रेकडाउन में मदद करता है जो खाना ब्रेक होगा तभी हमें एनर्जी मिलेगी एनर्जी किस लिए ज़रूरी होती है ताकि हम मूव कर सकें और अपना काम आसानी कर सकें टेकिंग ऑक्सीजन इनटू दी बॉडी इज़ कॉल्ड ब्रीथिंग जब हम ऑक्सीजन अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड ब्रीथिंग इस प्रोसेस को ब्रीथिंग यानी सांस लेने के अमल को ब्रीथिंग कहते हैं फिश ब्रीथ दी ऑक्सीजन दैट इज़ डिज़ोल्व इन दी वाटर इन विच दे लिव दे ब्रीथ थ्रू देयर गिल्स मछली ऑक्सीजन लेती है पानी के अंदर भी ऑक्सीजन मौजूद होता है मछली अपने गिल से सांस लेती है वो जानदार एनिमल्स लिव ऑन लैंड ब्रीथ बाय टेकिंग एयर इनटू देयर लंग्स प्लांट्स आल्सो ब्रीथ दे टेक इन एयर थ्रू टाइनी होल्स इन देयर लीव्स दीज टाइनी होल्स आर कॉल्ड स्ट्रोमेटा
Insects breathe through small holes on the sides of the bodies. मछली ऑक्सीजन लेती है, पानी के अंदर भी ऑक्सीजन मौजूद होता है। मछली अपनी गिल से सांस लेती है। वो जानदार जो ज़मीन पर रहते हैं वो हवा के ज़रिए अंदर लेते हैं और लंग्स के ज़रिए सांस लेते हैं। नाउ पौधे भी सांस लेते हैं। कैसे लेते हैं सांस? पौधों के लीव्स में छोटे छोटे हॉल्स होते हैं जिससे वो सांस लेते हैं और ज़िंदा रहते हैं। अगर वो होल्स ना हों तो पौधे मुरझा जाएं। इन छोटे छोटे सुराहों को स्ट्रोमेटा कहते हैं। इंसेक्ट्स ब्रीथ थ्रू स्मॉल होल्स ऑन द साइड्स ऑफ द बॉडीज। इंसेक्ट्स कीड़े कैसे सांस लेते हैं? इनकी बॉडी में छोटे छोटे सुराख होते हैं। अब जैसा कि ये आप डायग्राम देख सकते हैं बच्चों, फिश के ये गिल्स होते हैं। फिश गिल से सांस लेती है। स्ट्रोमेटा किसे कहते हैं? लीव्स के अंदर छोटे छोटे सुराख हैं जिसको स्ट्रोमेटा कहते हैं, और प्लांट्स स्ट्रोमेटा से सांस लेते हैं। एनिमल्स कहाँ से सांस लेते हैं? एनिमल्स अपने लंग्स से सांस लेते हैं। वो आज का टॉपिक हमारा यहीं तक था। नाउ माई लेक्चर इज़ फिनिश्ड, सो आई विल सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो। टिल डैट टेक केयर ऑफ यू ऑल। थैंक यू।